नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धरती पुत्रों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगात की। तो मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व विभाग ने किसानों का बकाया लगान माफ किया है। खातेदारी और गैर खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि का लगान माफ किया है। 2018-19 से पहले का 2,93,00,000 रुपए का जो लगान था वो माफ किया है। तो वहीं सबसे ज्यादा बूंदी के किसानों का 24,64,000 रुपए का लगान माफ हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी लगान माफी की घोषणा। तो धरती पुत्रों को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात मिली है। सीएम की मंशा के अनुरूप राजस्व विभाग ने किसानों का बकाया लगान माफ किया है। खातेदारी और गैर खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि का लगान माफ किया है। 2018-19 से पहले का 2,93,95,969 रुपए का लगान माफ किया है। सबसे ज्यादा बूंदी के किसानों का 24,64,000 रुपए का लगान माफ हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी लगान माफी की घोषणा। राजस्थान सरकार अब खरीदेगी विदेशी कोयला। बिजली संकट से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार कर रही है कोशिश। इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका से विदेशी कोयला खरीदने की तैयारी है। 2.5 गुना ज्यादा महंगी कीमतों पर कोयला खरीदने की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं 3,86,000 मीट्रिक टन कोयला खरीदने की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 9,65,000 मीट्रिक टन करने की प्लानिंग है। इससे करीब 1,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सामान्य कोयला 5,000 रुपए मीट्रिक टन विदेश से लाएंगे। बिजली उत्पादन करीब 44 पैसे से 1 रुपए यूनिट तक महंगा होने की आशंका है। तो राजस्थान सरकार अब विदेशी कोयला खरीदेगी, ये सूचना मिल रही है, जानकारी भी मिल रही है। तो वहीं बिजली संकट से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार कोशिशें कर रही है। इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका से विदेशी कोयला खरीदने की तैयारी है। 2.5 गुना ज्यादा महंगी कीमतों पर कोयला खरीदने की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। 3,86,000 मीट्रिक टन कोयला खरीदने की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद ये भी संकेत मिले कि इस जो मात्रा है उसको बढ़ाकर के 9,65,000 मीट्रिक टन करने की प्लानिंग है। इससे करीब 1,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सामान्य कोयला 5,000 रुपए मीट्रिक टन विदेश से लाएंगे। बिजली उत्पादन करीब 44 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगा होने की आशंका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोकेश शर्मा का यूपी और एमपी को साधुवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर निशाना साधा है। कहा, राजस्थान में आए दिन मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, बिना अनुमति धार्मिक जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है। कहा, इस व्यवस्था के बारे में आलोचना करने वाले कुछ टिप्पणी करेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल उनकी ओर से उठाया गया है। और तमाम जो घटनाक्रम सामने आया है तो उससे यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोकेश शर्मा का यूपी और एमपी को साधुवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में आए दिन मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, बिना अनुमति धार्मिक जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है। और फिर कहा उन्होंने आगे कि इस व्यवस्था के बारे में आलोचना करने वाले कुछ टिप्पणी करेंगे क्या। कटारिया के बयान पर खाचरियावास ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। कहा, जाको प्रभु दारुण दुख तेही ताकि मति पहले हर लेगी। भाजपा का असली चाल चरित्र जनता के सामने आ चुका है। जो भगवान राम माँ सीता के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। माँ सीता का ही नहीं बल्कि हम सभी की आस्था का भी अपमान किया है। सिद्ध भी कर दिया कि भाजपा भगवान राम की नहीं रावण की भक्त है। तो कटारिया के बयान पर खाचरियावास ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेगी। भाजपा का असली चाल चरित्र जनता के सामने आ चुका है। जो भगवान राम माँ सीता के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। माँ सीता का ही नहीं बल्कि हम सभी की आस्था का भी अपमान किया है। सिद्ध भी कर दिया कि भाजपा भगवान राम की नहीं रावण की भक्त है। उद्योगपति गौतम अडानी को जयपुर एयरपोर्ट पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट।
रनवे बंद के दौरान एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा दी गई उड़ान की अनुमति। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य के लिए 2 घंटे तक रनवे बंद रहता है। दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक 2 घंटे बंद रखा जाता है रनवे। इस दौरान आमतौर पर जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं हो सकता है विमानों का आवागमन, लेकिन एयरपोर्ट के संचालक और उद्योगपति अडानी के लिए प्रशासन ने नियमों में रिलैक्सेशन दिया है। आज जयपुर से दोपहर 3:20 पर अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं गौतम अडानी। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुबह 11:30 पर जयपुर आए थे गौतम अडानी। अब इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। 1 नवंबर 2021 को कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को नहीं दी थी अनुमति। नोटम के दौरान जयपुर आ रहे माकन की फ्लाइट को नहीं करने दिया था लैंड। जयपुर के आसमान में पहुंची फ्लाइट वापस दिल्ली के लिए हो गई थी डाइवर्ट और ऐसे में जयपुर नहीं आ सके थे अजय माकन, जबकि माकन को रिसीव करने डोटासरा व खाचरियावास 2.5 घंटे रुके रहे थे एयरपोर्ट पर। अब आज के इस घटनाक्रम के कांग्रेस के मंत्री और विधायकों में चर्चा। तो उद्योगपति गौतम अडानी को जयपुर एयरपोर्ट पर VVIP ट्रीटमेंट मिला है। रनवे बंद के दौरान एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा दी गई है उड़ान की अनुमति। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य के लिए 2 घंटे तक रनवे बंद रहता है। दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक 2 घंटे के लिए रनवे को बंद रखा जाता है। इस दौरान आमतौर पर जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं हो सकता है विमानों का आवागमन, लेकिन एयरपोर्ट के संचालक और उद्योगपति अडानी के लिए प्रशासन ने नियमों में रिलैक्सेशन दिया। आज जयपुर से दोपहर 3:20 पर अहमदाबाद के लिए रवाना हुए गौतम अडानी। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुबह 11:30 पर जयपुर आए थे गौतम अडानी। अब इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। 1 नवंबर 2021 को कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को नहीं दी थी अनुमति। नोटम के दौरान जयपुर आ रहे माकन की फ्लाइट को नहीं करने दिया था लैंड। जयपुर के आसमान में पहुंची फ्लाइट वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट हो गई थी और ऐसे में जयपुर नहीं आ सके थे अजय माकन, जबकि माकन को रिसीव करने डोटासरा व खाचरियावास 2.5 घंटे रुके रहे थे एयरपोर्ट पर। अब आज के इस घटनाक्रम के कांग्रेस के मंत्री और विधायकों में चर्चा। राजस्थान में एक बार फिर कई जिलों में लागू हुई आचार संहिता। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पंचायत उपचुनाव का ऐलान। जिला परिषद सदस्य के 2 पद, पंचायत समिति सदस्यों के 21 पद, सरपंच के 32 और पंच के 505 पदों पर उपचुनाव, 1 उपप्रधान और 40 उप सरपंचों के पदों पर भी उपचुनाव। इन जिलों में पंचायत उपचुनाव के लिए 8 मई को मतदान। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, गंगानगर, टोंक, उदयपुर जिले इसमें शामिल हैं। EVM से होंगे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच उपचुनाव, बैलेट पेपर से होंगे वार्ड पंचों के उपचुनाव। तो राजस्थान में एक बार फिर कई जिलों में लागू हुई है आचार संहिता। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव का ऐलान किया है। जिला परिषद सदस्य के 2 पद, पंचायत समिति सदस्यों के 21 पद, सरपंच के 32 और पंच के 505 पदों पर उपचुनाव, 1 उपप्रधान और 40 उप सरपंचों के पदों पर भी उपचुनाव है। इन जिलों में पंचायत उपचुनाव के लिए 8 मई को मतदान होगा। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, गंगानगर, टोंक, उदयपुर जिले शामिल हैं। EVM से होंगे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच के उपचुनाव, बैलेट पेपर से होंगे वार्ड पंचों के उपचुनाव। जानिए राजकाज की बातें। जी हां, IAS ट्रांसफर लिस्ट में अंदर की कहानियों की चर्चा है। कई नाराज मंत्रियों द्वारा अपने सचिवों को हटाने की चर्चा है। ऊर्जा में भंवर सिंह भाटी द्वारा सुबोध अग्रवाल को रिप्लेस करने की चर्चा है, तो वहीं PhD में महेश जोशी द्वारा सुधांश पंत को और वन में हेमाराम द्वारा श्रेया गुहा को, उद्योग में शकुंतला रावत ने टी रविकांत को और खाद्य में खाचरियावास ने नवीन जैन को, मेडिकल में प्रसादी लाल मीणा द्वारा आशुतोष पेडनेकर को हटवाने की चर्चा है और जल संसाधन में महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा पृथ्वीराज को रिप्लेस करने की चर्चा है। लेकिन 2 मामलों में मंत्रियों द्वारा अपने सचिवों को नहीं हटवा पाने की भी चर्चा है। मेडिकल में प्रसादी लाल मीणा द्वारा वैभव गालरिया को नहीं रिप्लेस करवा पाने की चर्चा है और इसी तरह कृषि में लालचंद कटारिया द्वारा भी दिनेश कुमार को नहीं हटवा पाने की
चर्चा है। तो राजकाज की बातें इस वक्त आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि आईएएस ट्रांसफर लिस्ट में अंदर की कहानियों की चर्चा है कि कई नाराज मंत्रियों द्वारा अपने सचिवों को हटाने की चर्चा है। ऊर्जा में भंवर सिंह भाटी द्वारा सुबोध अग्रवाल को रिप्लेस करने की चर्चा है, तो वहीं पीएचईडी में महेश जोशी द्वारा सुधांश पंत को और वन में हेमाराम द्वारा श्रेया गुहा को, उद्योग में शकुंतला रावत ने टी रविकांत को और खाद्य में खाचरियावास ने नवीन जैन को रिप्लेस कराया। मेडिकल में प्रसादी लाल मीणा द्वारा आशुतोष पेडनेकर को हटवाने की चर्चा है और जल संसाधन में महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा पृथ्वीराज को रिप्लेस करने की भी चर्चा है। लेकिन दो मामलों में मंत्रियों द्वारा अपने सचिवों को नहीं हटवा पाने की भी चर्चा जोरों पर है। मेडिकल में प्रसादी लाल मीणा द्वारा वैभव गालदिया को नहीं रिप्लेस करवा पाने की चर्चा है और इसी तरह कृषि में लालचंद कटारिया द्वारा भी दिनेश कुमार को नहीं हटवा पाने की चर्चा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की रैंकिंग में जयपुर का 33वां स्थान है। पालनहार योजना में भी जयपुर बुरे प्रदर्शन वाले टॉप 5 जिलों में शामिल है। 1 रुपए किलो गेहूं योजना में भी जयपुर बुरे प्रदर्शन वाले टॉप 5 जिलों में शामिल है। फेसबुक पर कार्यकर्ताओं में अपना मुख्यमंत्री फेस बनाने की होड़। ओम बिरला, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ को सीएम फेस बनाने की होड़। लेकिन इन सब चर्चाओं से ओम बिरला नाखुश है। पिछले दिनों बूंदी में हुआ था एक कार्यक्रम। अशोक नामक उत्साही कार्यकर्ता ने बिरला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारा लगाया। कहा, बिरला के नेतृत्व में बनेगी सरकार, 150 सीटों के साथ बनेगी सरकार। लेकिन ये नारा सुन बिरला ने तत्काल ही झटक दिया उस कार्यकर्ता को और दी हिदायत ऐसी चर्चा न करने की। अब बिरला की राह पर निकले हैं राजेंद्र राठौड़ भी। राजेंद्र राठौड़ ने भी खुद के सीएम फेस को लेकर नारा लगा रहे उत्साही समर्थक को चुप करवाया और समर्थकों से कही केवल कमल का फूल सीएम फेस होने की बात। तो फेसबुक पर कार्यकर्ताओं में अपना मुख्यमंत्री फेस बनाने की होड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब नेता इसको लेकर के कार्यकर्ताओं को चुप कराते हुए भी नजर आ रहे और यही कहा जा रहा है उनकी ओर से कि कमल के निशान को ही आप सीएम फेस मान के चलिए। आगे बढ़ते साइबर ठगों के निशाने पर राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर के नाम से भेजे जा रहे फर्जी मैसेज, डीजीपी की फोटो लगाकर दूसरे नंबरों से मैसेज भेजे जा रहे हैं ठगों को। मोबाइल नंबर भी है 9458559329। इस नंबर से व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है संदेश। मामले में मौखिक निर्देशों के बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस ने अपील की है ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज में दिए लिंक पर ना करें क्लिक। आपके पास आए ऐसा कोई मैसेज या कॉल तो तुरंत दे पुलिस को जानकारी। और आखिर मौत की नींद सो गया भूरी पहाड़ी का राजा। सरिस्का में आज बाघ ST6 की मौत हो गई। वर्ष 2010 में रणथंबोर में दौलत सिंह पर हमले से चर्चित हुआ था ST6। हमले के बाद रणथंबोर से मथुरा आगरा तक दिखा था ST6 का मूवमेंट। फिर कुछ दिनों बाद भरतपुर में किया गया था इसे ट्रैंकुलाइज। भरतपुर से सरिस्का लाया गया था ST6। तभी से सरिस्का से कायम कर ली थी ST6 ने अपनी सल्तनत। फिर 2 साल पहले टेरिटोरियल फाइट में घायल हुआ था बाघ ST6। 2 साल एनक्लोजर में इलाज के बाद आज हुई ST6 की मौत। बाघ ST6 की मौत से वन्यजीव जगत में शोक का माहौल है। सभी वन्यजीव प्रेमी शोक के माहौल में हैं। अब इसी घटना को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि अभी सरिस्का के बुरे दिन चल रहे हैं। लापता टाइगर, फिर आग और अब टाइगर की मौत। पहले ही टाइगर ST13 का नहीं लग रहा है पता, अब टाइगर ST6 की मौत हो गई है। ST6 को काफी समय से रखा गया था एनक्लोजर में। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था दौरा। अधिकारियों ने कहा था जब से ST6 को किया है एनक्लोजर में बंद, तब से दूसरे टाइगर्स की होने लगी है मेटिंग और संख्या बढ़ी। मेहंदीपुर बालाजी SBI की शाखा से जुड़ी खबर है। तिजोरी से गायब 11 करोड़ रुपए के सिक्कों का ये पूरा मामला है। CBI ने सिक्के गायब होने के मामले की संभाली है जांच। CBI ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था क्योंकि गायब हुई राशि है 3 करोड़ से अधिक, जो कि एजेंसी की जांच की मांग के लिए जरूरी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर CBI ने दर्ज की गई प्राथमिकी पर संज्ञान लिया। अब बात करते हैं बढ़ती महंगाई की, तो रोटी भी महंगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल का असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। अब आम आदमी की थाली पर भी इसका असर पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने की है मिस्र को गेहूं निर्यात करने की घोषणा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गेहूं के भाव में तेजी का रुख देखा गया है। गेहूं में तेजी की धारणा के चलते फ्लोर मिल्स ने दाम बढ़ा दिए हैं, तो वहीं ब्रांडेड कंपनियों का आटा 30 से 35 रुपए किलो पहुंच गया है।
रिटेल में भी आटा 30 से 35 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मंडियों में गेहूं 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा रहा है। मंडी भाव अच्छे होने से किसानों के समर्थन मूल्य से बेरुखी है। गेहूं के दाम बढ़ने से किसान खुश है पर उपभोक्ता मायूस है।